गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग अपने हिंदी विषय में जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है वर्ण विचार। हम भाषा के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करने के लिए मुँह से कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जो वर्ण कहलाते हैं, जैसे आ फा ना का आ बा आदि। हिंदी में जिन ध्वनियों का प्रयोग हम मौखिक रूप में करते हैं उन्हें लिखित रूप में व्यक्त करने वाले चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला, वर्ण के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्ण प्लस माला, अर्थात वर्णों की लड़ी या माला। जैसे हम लोग फूलों की माला बनाते हैं ना, कई सारे फूल मिलके एक फूलमाला का निर्माण करते हैं, वैसे ही बहुत सारे वर्ण एक साथ मिलके वर्णमाला का निर्माण करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण तथा 4 संयुक्त वर्ण हैं, वे इस प्रकार हैं। हिंदी में कितने हैं? 48 वर्ण हैं तथा 4 संयुक्त वर्ण हैं। छात्राज्ञासरा ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। तो अब हम वर्णों को देखेंगे। पहले स्वर वर्ण आ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर वर्ण हैं, इनकी संख्या 11 है। ऐसे ही व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। यहाँ से का से लेकर मा तक 25, अब 4 29, 11 लावन तेस व्यंजन स स स स हा हो गए 33। उसके बाद फिर अन और आह अयोग वाह में आते हैं। अन और आह, अन अनुस्वर, आह विसर्ग और अन्य डा ढा, इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञा स्रा ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। वर्णों की विशेषताएं, वर्ण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा के प्रत्येक शब्द का निर्माण वर्ण से होता है। वर्ण भाषा का मूलाधार है। यदि वर्ण ना हो तो भाषा का कोई रूप ना होगा। तो कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों से ही शब्द का निर्माण होता है और शब्द से वाक्य बनते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे वर्णों के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। 11 स्वर ये आ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हैं। अन और आह को अनुस्वार या एक अनुस्वार अन है और आह विसर्ग में आता है। ठीक है, तो इसे अलग रखा गया है, इनको स्वर से अलग। स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के भेद, स्वर है सुस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। जो स्वरों के भेद जो बताए गए हैं वो उनके उच्चारण की स्थान आधार पर, जैसे है स्वर मतलब ऐसे स्वर जिनको हम कम समय में बोलते हैं उन्हें हस स्वर कहते हैं। दीर्घ जिनको उच्चारण करने में अधिक समय लगता है हस से दुगुना, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुस स्वर उसे कहते हैं जिसे हस के 3 गुना ज़्यादा उच्चारण में समय लगे, उसे प्लुस स्वर कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहला स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है तथा श्वास मुख से झटके से बाहर निकलती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, छोटा ई उ और री और ऊ, ये कितने हुए? 4। ऐसे ही फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ मीन्स बड़ा होता है ना, ह्रस्व मीन्स छोटा। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हिंदी में ये 7 स्वर हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और औ, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। ऐसे ही ये मूल स्वर जो ऊपर आपने देखा है सुस्वर आ ई उरी, ये मूल स्वर, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहलाते हैं। हिंदी में ओम एकमात्र ऐसा स्वर है। विशेष बात, प्लुत स्वर का उच्चारण वेद मंत्रों या प्रार्थना में ही किया जाता है। वेद मंत्र, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के धार्मिक ग्रंथ हैं, तो उनमें अधिकाधिक प्रयोग हुआ है ओम शब्द का। ठीक है,
व्यंजन के भेद। अभी तक हमने स्वरों को देखा, अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है, पहला स्पर्श के आधार पर और दूसरा श्वास की मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के भेद। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को तीन प्रकार से बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन पहला, दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को हम पहले देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 27 हैं तथा 5 भागों में विभक्त हैं। कितने हैं? 27 हैं, ठीक है। जैसे ये का वर्ग, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। क से अंगा तक के 5 का इन्हें पहले 5 में बांटा गया, जैसे क वर्ग इनका नाम दिया गया है। का खा गा गा खा अंगा क वर्ग में आते हैं। उसके बाद च छ ज झ ञ च वर्ग में आते हैं। ट ठ ड ढ आड़ा ड ड ढ ये ट वर्ग में आते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो अतिरिक्त व्यंजन हैं इन्हें भी इसी वर्ण में रखा गया है, क्योंकि समानार्थी हैं, लगभग ड और ढ के सन्निकट हैं, इसलिए इनको इसी में रखा गया है ट वर्ग में। ट वर्ग ता था दा दा धा ना, ऐसे ही प वर्ग पा फा बा भा मा, ये सब स्पर्श व्यंजन। ये सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। विशेष बात, ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। यह ऐसे वाले शब्द हैं जो शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। इनसे बने कुछ शब्द इस प्रकार हैं, रा, जैसे रा शब्द से बना है कड़ी, छड़ी, थोड़ा, धड़कन, मकड़ी, लकड़ी आदि, ये बीच में आ रहे हैं ना, मध्य में। उसके बाद ढा शब्द, ढा ढा, पढ़ाई, बूढ़ा, चढ़ाई, सीढ़ी, गढ़, दाढ़ी, गाढ़ा आदि। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको हम उच्चारण करते समय ऐसा लगता है कि हमारे आंतरिक भाग से इनका उच्चारण हो रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से बाहर की ओर शक्ति लगती है वे व्यंजन स्वर, वो स्वरों और व्यंजनों के मध्य में स्थित होते हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, कौन कौन से? या, र, ल और वा, इनकी संख्या 4 है। अब ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की सुरसुराहट सी होती है, अर्थात बोलते समय वायु रगड़ खाती हुई मुख से बाहर निकलती है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। सा 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 हा, सा सलजम वाला सा, इसे तालब्य सा कहते हैं, और सा दंत सा, उसके बाद फिर मूर्धन्य सा और फिर हा। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। श्वास के आधार पर व्यंजनों के मुख्य दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। श्वास के आधार पर भी उच्चारण में जो श्वास का जो समय है उसके आधार पर बांटा गया था उसको दो भागों में, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो अब यहाँ देखेंगे अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम और कमजोर होकर बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, अतः अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वर्ग, अल्प प्राण और स्थान। क वर्ग का गा घा, क वर्ग में का गा अंगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस में आते हैं? अल्प प्राण। स्थान इनका क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा। च वर्ग च ज ञ प्रथम, द्वितीय और प्रथम, तृतीय और पंचम, पहला, तीसरा और पांचवा। ट वर्ग ट ड ढ ढ पहला, तीसरा उच्चिक व्यंजन और पांचवा। त वर्ग त द न पहला, तीसरा और पांचवा। प वर्ग प ब म पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। अंत्यस्थ व्यंजन या रा लावा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऊष्म व्यंजन सा 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 पहला, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक वेग से मुख से बाहर निकलती है तथा हा की ध्वनि सुनाई देती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण त
तथा उस व्यंजन हा महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कवर्ग, कवर्ग में कवर्ग जो है उसमें पांच हैं, तो पांच में जो द्वितीय और चतुर्थ है, जैसे खा और घा, ये द्वितीय और चतुर्थ हैं खा और घा, तो इन्हें अल्पप्राण कहा जाएगा। दूसरा और चौथा, चवर्ग में छा और झा, दूसरा और चौथा, तवर्ग में ना ठा ढा ढा, दूसरा चौथा उच्चिप्त व्यंजन, तवर्ग में ता था और धा, दूसरा और चौथा, पवर्ग में फा भा, दूसरा चौथा, उसमें व्यंजन हा चौथा। तो ये थे महाप्राण। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में चार हैं, छात्र अज्ञास्त्र, इनकी संयोग तथा उससे बने शब्द निम्नलिखित है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो दो व्यंजनों से मिलकर बने, उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त वर्ण जैसे का और प्लस सा, मूर्धन्य से मिला के बना है छा, इससे बने शब्द छत्री कच्छा क्षेम क्षमा, ता प्लस रा से त्रा, इससे त्रेता त्रिगुण अस्त्र मित्र, ऐसे जा प्लस इया से ज्ञान, ज्ञान ज्ञानी ज्ञ ज्ञाता, सा प्लस रा से श्रा, श्रमिक श्रुति विश्राम और श्रम। अब द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन समान अर्थ वाले व्यंजन शब्द में दो बार प्रयुक्त हों तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों में पहला शब्द व्यंजन रहित होता है तथा डिब्बा, बा प्लस बा बल, ऐसे बल्ला, ला प्लस लाम सज्जन, जा प्लस या आदि। एक बार हम इसे देखते हैं। द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन समान अर्थ वाले व्यंजन शब्द में दो बार प्रयुक्त हों तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों में पहला शब्द व्यंजन रहित होता है तथा जैसे डिब्बा, बा प्लस बा, बल बल्ला, ला सज्जन, जा प्लस इया। तो इसमें देखिए जो पहला बा है वो स्वर नहीं है उसमें, तो इसलिए इसे व्यंजन रहित कहा जाता है। दूसरा आगत स्वर, स्वर अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू से आकर हिंदी भाषा में मिल गए हैं, उन्हें आगत स्वर कहते हैं। जैसे आ, जा, फा, खा आदि, अर्थ भेद होने के कारण इनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है। इन वर्णों से बने शब्द इस प्रकार हैं, जैसे काफी पर्याप्त, काफी पेय पदार्थ, फन सांप, फन एक कला, फूल पुष्प, फूल मूर्ख, जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा, गज हाथी, गज नाप, खुदा खुदा हुआ, खुदा ईश्वर। फिर अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न व्यंजनों के मेल से बनते हैं और न स्वरों के मेल से। अयोगवाह के तीन रूप हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो अनुस्वार, अनुस्वार में अयोगवाह जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से ही निकलती है तथा वर्ण लिखते समय शब्द पर बिंदु लग, ऐसे इस चिन्ह है अनुस्वार का, तो ऐसे लगा होता है शिरोरेखा में लगाकर लिखा जाता है, इस बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे डंडा, चंचल, अंग, पतंग आदि, ये कुछ शब्द हैं अनुस्वार से बने। उसके बाद फिर अनुनासिक, अनुनासिक जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से ही निकलती है इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इन्हें लिखते समय शब्द पर चंद्र बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे आँख, चांद, मांद आदि। इसके बाद फिर अंतिम जो है वो विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग अक्षर के अंत में लगने वाले दो बिंदुओं, ऐसे दो बिंदु, इनका उच्चारण हल्के से हा शब्द की भांति होता है। अतः, अतः, प्रातः, पुनः, प्रायः, मना, स्थिति, संभवता आदि है कुछ उदाहरण हैं। तो ये सब विसर्ग में आते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, अनुस्वार में वर्ण का उच्चारण केवल नाक से होता है जबकि अनुनासिक में उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। अनुस्वार युक्त व्यंजन के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है जबकि अनुनासिक में सामान्य वर्ण जितना ही समय लगता है। अनुस्वार व अनुनासिक के प्रयोग से शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे हंस एक पक्षी, हंस हंसना क्रिया, रंग नीला लाल, रंग रंगना क्रिया। द्वितीय और संयुक्त व्यंजन में अंतर, द्वितीय और संयुक्त व्यंजन में अंतर।
जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं, परंतु जब अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे द्वितीय व्यंजन सच्चा। तो यहाँ पे जो चा है तो यह एक समान है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा द्वितीय व्यंजन, क्योंकि दो वर्ण एक समान है, सच्चा दो आधा चा और पूर्ण चा। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का हो, जैसे का और ख मिला क्या बना मक्खी, ऐसे दिल्ली इधर संयुक्त व्यंजन में गुच्छा पक्का द्वितीय व्यंजन, अच्छा संयुक्त व्यंजन, बच्चा द्वितीय व्यंजन और भस्म संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही हम कुछ यहाँ पे वर्ण बनाएंगे, कुछ वर्णों से कुछ शब्द बनाएंगे, ठीक है, अनुनासिक के और अनुस्वार के, इसमें लिखना है छांट के कि कौन सा अनुनासिक है और कौन सा अनुस्वार है। ध्वनियों का उच्चारण स्थान, जिस ध्वनि वर्ण के उच्चारण में मुख के जिस भाग पर विशेष बल दिया जाता है उसे उस ध्वनि का वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं, जैसे पहला आ आ आ का गा 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 घा अंगा हा और विसर्ग आहा, उच्चारण स्थान इनका क्या है, कंठ है, नाम कंठ। ऐसे ही ई प्लस ई, ई छोटी बड़ी, चा छा जा झा इया या सा, इनका उच्चारण स्थान तालु है, ने ताला नाम दिया गया है। ऐसे ही री टा ठा डा ढा 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 वा रा, ये इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो इसलिए इसको मूर्धन वर्ण कहलाते हैं। ये ता था दा धा ना ला सा, इन्हें दंत कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पा फा बा भा मा, इन्हें ओष्ठ कहते हैं। उ पा फा बा भा मा उ ओष्ठ, ए और ए, इन्हें कंठ तालु, ये दोनों जगह से जो सर कंठ और तालु से है, ए ऐ कंठ तालब्य, ओ औ कंठ ओष्ठ कंठोष्ठ, वा फा दंत ओष्ठ दंतोष्ठ, अन अन अंगा इण नमा नासिका, ये नासिका से इनका उच्चारण स्थान है। महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं, उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद हैं दो, कौन कौन से स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ड और ढा उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं, उच्छिप्त व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में चार संयुक्त वर्ण हैं, छात्राज्ञा संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, समान अर्थ वाले व्यंजन जब शब्द में दो बार प्रयुक्त हों तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। आगत स्वर हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं से आए स्वर हैं, अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वरों के मेल से बनते हैं और ना ही व्यंजनों के मेल से, बल्कि इन दोनों के मध्य में आते हैं। अब इस पाठ से जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को होमवर्क करके अपलोड करना है, ठीक है, ठीक बच्चों, बहुत बहुत